कोविड काल में जब सब लोग पैसे को जोड़ने की कोशिश में लगे हैं, वहीं बढ़ती महंगाई ने उनके संचित धन पर कुंडली मार ली है। जहां एक और आम आदमी की आमदनी बढ़ने के बजाय कम हो रही है, वहीं बढ़ती महंगाई ने उनका जीना और भी दूभर कर दिया है, जिसकी वजह से आम आदमी बेहद चिंता में है और आने वाले समय में उनका परिवार कैसे चलेगा, ये चिंता उन्हें सता रही है। आज के समय में पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, सब्जियों के दाम आम आदमी को रुलाने में आमदा है। वहीं अब बढ़ते रसोई गैस के दामों ने तो गृहिणियों को भी मुसीबत में डाल दिया है। शहरवासियों ने इस मौके पर कहा कि आय कम होने के कारण वे पहले ही बेहद परेशान थे, अब खाद्य वस्तुओं के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, सब्जियों और दालों के दाम आसमान छू रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब तो सरकार ने रसोई गैस के दाम भी बढ़ा दिए हैं। उन्होंने कहा कि गैस के दाम बढ़ने का असर रईस लोगों को तो नहीं होता है, लेकिन मध्यवर्गीय और गरीब लोगों को बढ़ती महंगाई की वजह से बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए वे प्रदेश और केंद्र सरकार से आग्रह करते हैं कि वे बढ़ती महंगाई पर अंकुश लगाएं, अन्यथा उन्हें घर चलाना भी बेहद मुश्किल हो जाएगा। तो जिस तरह से सिलेंडर के गैस सिलेंडर के रेट बढ़े हैं 100 रुपये, तो सर अमीरों को तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, जब पर हम मिडिल क्लास होते हैं सर, हमारे को तो अपने घर का खर्चा भी देखना पड़ता है, बहुत कुछ देखना पड़ता है। उस तरह से जिस तरह LPG के 100 रुपये रेट बढ़े, उसी तरह और सब्जियों की भी बहुत महंगाई होगी आजकल। ऊपर से आपको पता ही है सर्दियों के टाइम में यहाँ पर काम भी बहुत कम है, सैलरी की भी बहुत दिक्कत पड़ती है, काम ही नहीं होता तब वो भी कहाँ से करेंगे जी। तो हम तो यही गुजारिश करेंगे सरकार से कि थोड़ा गरीबों को भी तरफ भी ध्यान दे, क्योंकि अमीरों को तो इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे वो 100 रुपये बढ़ाए या 200 रुपये बढ़ाए, पर हमें तो 1-1 रुपये का फ़र्क पड़ता है जी। नाम प्रिया है, मैं यहाँ सोलन से हूँ, सोलन की रहने वाली हूँ। और जो LPG गैस जो बढ़े, इससे हमें बहुत परेशानियाँ हो रही है। यहाँ पर हमारा आनंद मैम शॉप भी है, गैस सिलेंडर के रेट बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, इससे हमें बहुत परेशानियाँ हो रही है। हम गवर्नमेंट से यही प्रार्थना करते हैं कि जल्द से जल्द गैस सिलेंडर का रेट कम हो जाए।